हेलो स्टूडेंट, विल कंटिन्यू आवर टॉपिक एक्टिविटी 15.6। टेक अ कॉनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, ट्राई टू गेट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ अ पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। फिगर 15.14, होल्ड अ मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। आपको क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेना है और जो है एक पेपर लेना है और सन का जो रेज होता है वो उसके ऊपर गिरकर जो है पेपर के ऊपर शेडो की तरह दिखेगा। ये फिगर के अंदर बताया है 15.14, अ कॉनकेव मिरर फ्रॉम अ रियल इमेज ऑफ द सन। दिस ब्रिंग स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। नोटिस that this image is a form on the screen. An image formed on a screen is called a real image. Screen के ऊपर जो image form होती है उसे हम क्या कहते हैं, real image कहते हैं। Recollected in activity 15.2, the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image called a virtual image. इस टाइप के इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक्टिविटी 15.7, फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड, एन अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी विल डू, एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। फिगर 15.15, देखो इस तरह से आपको जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। एक स्टैंड के ऊपर जो है मिरर रख देना है, फिर कैंडल को जो है आपको जलाकर सामने जो पेपर है उसके ऊपर जो है रिफ्लेक्टेड होगा रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। देखो पेस्ट अ पीसेस ऑफ अ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट से अबाउट 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। दिस विल बी एक्ट एज एन स्क्रीन। कीप अ लाइट कैंडल ऑन द टेबल एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कैंडल को कहाँ रखना है, 15 सेंटीमीटर दूर रखकर जो है वाइट पेपर के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको जो है दिखाना है, ऑब्जर्वेशन करना है। Try to obtain the image of a flame on the screen. For this move the screen till a sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. Is this image real or virtual? Is it of a same size as the flame? तो इस टाइप के इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एज अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1। इज इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। फिगर 15.16, देखो 15.16 के अंदर जो है बताया है पूरा वर्चुअल इमेज जो है वो किस तरह से कॉनकेव मिरर से जो है ऑब्जर्वेशन होता है। कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर अ मेनी पर्पस। यू माइट हैव सीन डॉक्टर यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिंग आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट। जैसे कि ये कॉनकेव मिरर जो है ज़्यादातर मैनी प्रपोज के लिए यूज होता है और जो है डॉक्टर से ज़्यादातर कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक और थॉट देखने के लिए ये सब यूज होता है। कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज बाय अ डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ अ टीथ। फिगर 15.17, देखो ये फिगर 15.17 के अंदर जो दिखा है डॉक्टर ज़्यादातर उसको टीथ को देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द रिफ्लेक्शंस ऑफ अ टॉर्च हेडलाइटिंग ऑफ अ कार एंड स्कूटर आर कॉनकेव इन से। फिगर 15.18, देखो ये 15.18 जो दिखाया रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च किस टाइप से, जैसे कि वहीकल के अंदर और ज़्यादातर उसके अंदर यूज होता है। बुजो ऑब्जर्वेशन हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल ही फाउंड डेट हिज इमेज हैज इरेक्टेड एंड स्मॉलर इन साइज हाउ वंडर इफ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर कैन यू रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ द मिरर नॉट डेट द रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ अ बेल इज कॉनकेव। तो आपको क्या करना है, इस तरह के का एक जो है टेबल फॉर्म करना है, उसके अंदर जो है लिखना है 50 सेंटीमीटर स्मॉल लार्ज देन ऑब्जेक्ट कैरेक्टर ऑफ इमेज, ये सब आपको जो है मेंशन करना है। तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।